वडोदरा सिटी बस सेवा से जुड़े एक आला अधिकारी जिन्होंने तय किया एक लंबा सफर संघर्ष का। कभी बस कंडक्टर के तौर पर की थी शुरुआत और आज वडोदरा के लगभग 25 लाख लोगों को सुविधा देती सिटी बस सर्विस के मैनेजर हैं। तो पेश है वडोदरा शहर के सिटी बस सर्विस के आला अधिकारी श्री नरेंद्र सिंह राणा जी की कहानी कुलवृक्ष की खास सीरीज एवरी फैमिली हैज अ हिस्ट्री व्हाट्स योर्स में उनकी जुबानी। गुजरात में पहली सिटी बस जो प्राइवेट पड़ती है वो जामनगर से शुरू हुई, वो माजी सैनिक सहकारी मंडली जो माजी सैनिक लोग है उसकी मंडली चल रही थी जामनगर में, उसने पहली सिटी बस जामनगर में शुरू किया प्राइवेट में कॉन्ट्रैक्ट में, और दूसरा किया भावनगर में, उसका नाम भी अभी था। जैसा कि नरेंद्र जी ने बताया कि पहली प्राइवेट सिटी बसों की नींव किन्हीं मंडलियों द्वारा जामनगर में रखी गई थी, उसके बाद ये सिलसिला आणंद और फिर वडोदरा पहुंचा। आपको बता दें कि आज वडोदरा विटकॉस यानी वडोदरा सिटी बस सर्विस के मैनेजर नरेंद्र सिंह राणा बतौर बस कंडक्टर जामनगर में 1996 से 2001 तक सेवाएं दे चुके हैं। साल 2001 में विटकॉस नाम की एक कॉपरेटिव सोसाइटी का गठन हुआ जिसने आणंद और वडोदरा जैसे शहरों में सिटी बस की सेवाएं शुरू की, चेकर की हैसियत से जुड़े और आज वडोदरा सिटी बस सर्विस के शीर्षस्थ पद पर हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वडोदरा की जनता का असीम प्रेम पाने वाले राणा साहब यानी कि नरेंद्र सिंह राणा आज भी जब ड्राइवर या कंडक्टर उपलब्ध ना हो तो खुद ही ड्राइवर या कंडक्टर बन जाया करते हैं। जो ड्राइवर नहीं रहते तो मैं खुद बस चला कर चला जाता हूँ, मेरे पास हेवी लाइसेंस है ड्राइवर का। कंडक्टर नहीं है तो मैं बस में कंडक्टर के तरह चल जाता हूँ, मेरे पास कंडक्टर की लाइसेंस है, ड्राइवर का लाइसेंस है, सब है। तो मैं आज भी कोई ड्राइवर नहीं मिलता तो मैं बस लेकर चला जाता हूँ। राणा कहते हैं कि उनकी नौकरी महज उनका फर्ज नहीं बल्कि उनका शौक भी है। जो भी आपको काम करना है वो मतलब एक शौक बना लो, काम को शौक बना लो, ये मेरा शौक है। तो शौक बना के आप चलोगे तो आप उसके आगे आओगे। अरे ये क्षेत्र सुनोगे कि मैं तो नौकरी करता हूँ, 8 घंटा नौकरी किया पूरा, मेरा काम कुछ नहीं है, बस खत्म, ऐसे मत रखो। आप घड़ी मत देखो। अगर किसी पैसेंजर को कोई भी असुविधा होती है तो खुद राणा साहब उस पैसेंजर की हर संभव मदद करते हैं। उनका कहना है कि किसी स्त्री या बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चे 10 साल का 12 साल का बच्चा स्कूल वाला मेरे पास आता है कि मेरे को ड्राइवर ने नहीं लिया और कंडक्टर ने ऐसा किया, तो मैं कंडक्टर को बुला के बोलता हूँ बच्चे के सामने कि उसको क्यों नहीं लिया। तो बच्चों को ऐसा होता नहीं, मेरी कुछ सुनता है तो आज बच्चा मेरे पास है कल कहीं जाएगा और मैं भी बोलूंगा नहीं कोई बात कर दूंगा ऐसे ऐसे नहीं, सबको सुनो ना, हम ऐसे ही राउंड बस में बैठते हैं। हमारा बच्चा है, कोई बच्चा आता है कि मेरे को स्कूल में से आया लो लिया नहीं, मेरा पास खत्म हो गया, तो मैंने उन्हें बता दिया नहीं पास खत्म हो गया उसको ले लो बस में, आज बोल दो पास लिया निकाल लो, कभी भी रास्ते में नहीं उतारे का बच्चों। जब हमने राणा साहब से उनके परिवार का इतिहास जानना चाहा तो पता चला कि वो कुंभा जी के वंश से संबंध रखते हैं। हमारे जो पूर्वज कुंभा जी है, कुंभा जी के परिवार है, तो कुंभा जी जो उसको बड़ी खेती है, सब हम खेत में जो खेती सब उसके बाद उसका लड़का राजूबा उसको भी खेती थी, उसका लड़का है मेरा दादा रघुबा, वो भावनगर राजा सही में रसाला होता था, राजा सही में जो राजा था उनके दादा भावनगर के रसाला यानी राजा की सेना या यूं कहें कि राजा की पुलिस विभाग में कार्यरत थे। उनके पिताजी स्वतंत्र भारत में पुलिस प्रशासन में सेवाएं दे चुके हैं। आइए जानते हैं कि जीवन के संघर्षों को झेलकर स्थापित हुए राणा साहब अपनी भावी पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। शॉर्टकट मत अपनाओ, अरे आप जो भी करोगे जितनी मेहनत, ऐसा मत देखो इसमें मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा,
आप मेहनत करोगे तो अवश्य पैसा मिलेगा। गीता में लिखा है करा हुआ फोकट नहीं जाते हैं। दूसरे के मेहनत देख के आप बैठने रहे, दूसरे के ऊपर कभी निर्भर नहीं रखने का, हम खुद मेहनत करो खुद कमाओ। और अंत में चलते चलते राणा साहब ने कुलवृक्ष की इस खास मुहिम एवरी फैमिली हैज अ हिस्ट्री व्हाट्स योर्स को अपना क्या संदेश दिया है वो सुनिए। ये आपने जो कुलवृक्ष के शुरू किया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मान लो कि अभी तो सबको पता है कि मेरा गोल क्या है, सभी को पता होगा। अभी तो आप 20-25 साल बाद तो किसी को पता नहीं चलेगा मेरा गोल कौन था, मेरा दादा कौन था, मेरा गोल जो कौन था वो पता नहीं चलेगा। आपने ये जो काम करे वो तो अच्छे काम करे, आपको जल्दी से अच्छी सफलता मिले और सभी लोग इसमें जुड़े। और ये जरूरी है, कोई भी गलत काम करने से पहले आप बन के 15 मिनट आप आपका कुटुंब और परदादा को और माँ बाप को एक बार सोच लो कि मेरा माँ बाप का क्या होगा, मेरा भाई का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरा दादा कौन था, परदादा कौन था, एक बार आप बन के सोच लो, कभी गलत काम नहीं। नरेंद्र सिंह राणा जी जैसे दिलेर और संघर्षशील व्यक्तित्व को कुलवृक्ष नमन करता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।